हेलो किड्स, मैं हूँ शबीना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नन्ही चिड़िया की कहानी जो आपको ये सिखाती है कि सर्वशक्तिमान ने सभी प्राणी सभी जीवों को अपने आप में श्रेष्ठ बनाया है। तो आपको अपना कार्य श्रेष्ठतम तरीके से करना है, हर काम में सहयोग करना है और अच्छे कार्य करना है। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, वहाँ पर ये चिड़िया भी रहती थी। एक बार गर्मी के दिनों में जंगल में आग लग गई। आग लगी, सारे जानवर इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे, घबराने लगे। वहीं एक बंदर पेड़ पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता था। वहीं एक चिड़िया का घोंसला भी था, वो नन्ही चिड़िया उड़ान भर के चिल्ला चिल्ला के जानवरों को सचेत कर रही थी कि जंगल में आग लग गई है। सारे जानवर तालाब की तरफ भागे जहाँ पे पानी भरा हुआ था। सब अपने अपने स्तर से वहाँ से पानी ला रहे थे और आग पर डाल रहे थे ताकि आग बुझ जाए। बहुत सारे विशालकाय हाथी, कुछ जानवर, भालू, सब लोग अपना अपने स्तर से पानी ला के और आग बुझाने लगे। वहीं ये नन्ही चिड़िया भी पानी के तालाब पास जाती, अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें लेती और आग पर डाल के वापस लौटने लगी। ये काम वो बंदर देख रहा था। बंदर ने कहा, अरे चिड़िया, तुम इतनी नन्ही सी छोटी सी हो, तुम्हारी दो बूंद से क्या पानी डालने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया हंसने लगी और कहने लगी, नहीं बंदर मामा, इस पानी से आग नहीं बुझेगी। पानी से मैं अपनी चोंच में दो बूंदें ले जाकर इसलिए डाल रही हूँ कि जब ये आग बुझ जाए तो कोई ये ना कहे कि नन्ही चिड़िया, इस आग बुझाने में तुम्हारा तो कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि किसी डाल पर बैठकर दूसरों की हंसी उड़ाने की बजाय मैं अपना कोई कार्य करूँ। सर्वशक्तिमान ने मुझे अपने पंख दिए हैं, मुझे चोंच दी है, तो मैं उसका उपयोग सकारात्मक तरीके से करूँ। इसलिए मैं पानी की दो बूंद ही सही पर आग बुझाने के लिए चली जाती हूँ। बंदर बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसको समझ गया कि चिड़िया उसे ही कह रही है। चिड़िया ने आग बुझने तक बार बार उड़ान भरी और बार बार चोंच में पानी ले जाकर आग बुझाई। आग बुझ गई, सब जानवर खुश हुए, चिड़िया भी खुश हुई। सबने चिड़िया के कार्य को सराहा और सबने कहा, नन्ही चिड़िया थी पर इसका योगदान श्रेष्ठ माना जाएगा कि इसने हिम्मत तो की। इसलिए आप लोग अपने आप को किसी से कम ना समझें, काम छोटा हो या बड़ा हो, आप जिस स्तर से कर सकते हो उसे श्रेष्ठ तरीके से करना सीखें और दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपने स्तर का काम करने का प्रयास करते रहें। अगली बार फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।